देखा 5:30 जब भी हम प्रेस वार्ता करते हैं अपने टाइमली करते हैं, मगर आज मैं कुछ चीजें सामने लाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा सब्र है कहीं कोई इम्तिहान हमारा ले रहा है कि वो सब्र कब इनका टूटेगा, कब जनसलाब रोड पे आएगा और सरकार को भी फिर हम बताएंगे। और खासकर क्योंकि इस आज तक आपने देखा ये जो आज मैं आपको, क्योंकि मीडिया को अभी पता नहीं है, वो चीजें सामने लाऊंगा क्योंकि आज कुछ शरारती तत्व मैं बोलूंगा उनको कि उन्होंने आके कोई कुछ हमारी गाड़ियों को रोका। आप देखिए जब परसों जब हमारी एक वार्ता हुई थी, प्रेस वार्ता बड़ी जिसमें हजारों की तादाद में ट्रांसपोर्टर थे, तो गवर्नमेंट को एक खासकर अपनी जो हमारी पुलिस है, हमने वो जो कोर्ट से हमें ऑर्डर्स जो स्टे हमें मिला था, तो उसमें स्टेटस को जैसे ग्रुप हमारे जो काम कर रहे हैं उसी ढंग से वो करेंगे। मगर आज उसने उन्होंने वही चार लोग आपने देखा, क्योंकि आज की आप कहीं देखिए जो वीडियोस में कुछ मीडिया उन्हें कवर किया है, मीडिया ने वही चार लोग वहां हल्ला मचा रहे थे जब हमारी प्रेस वार्ता थी, वही चार लोग आज गाड़ियों के आगे उन्होंने आके गाड़ियां खड़ी की। आप देखिए उनके पीछे कौन है और क्या एलजी साहब क्या चीज देखना चाहते हैं कि वो एलजी साहब का वो रोब जमाते हैं पुलिस पे भी और सरकार पे भी। कब तक बर्दाश्त करेगा ट्रांसपोर्टर? क्या ये चाहते हैं कि हम कल से कोई ऐसा कदम उठाए कि लोगों को भी उसका उस चीज का परेशानी का सामना करना पड़े? आज इसी माहौल में हमारी एक वार्ता जो क्योंकि SDPO गांधीनगर ने हमें बुलाया गया, क्योंकि हम वो लोग हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं, ना कि कोई गुंडा तत्व लोग हैं। हमने वहां जाके अपना, क्योंकि वो जो ऑर्डर्स दे उन्होंने पढ़े हुए हैं पुलिस ने, उन्होंने कहा कि ये जो आपका ये जो स्टे है, अगर जो जितने वो ग्रुप्स हैं उसमें आप तब तक दखलंदाजी नहीं दोगे जो अगली डेट हमारी 4 दिसंबर, अगर आपने कोई ऑर्डर लाना है आप कोर्ट में जाइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमने गांधीनगर थाने में बाई नेमली ये इनके खिलाफ हमने कंप्लेन दी थी कि ये लोग इन पे कार्रवाई हो। तो मैं आप मीडिया द्वारा ये चीज जरूर सामने लाऊंगा, क्या सरकार हमारा, क्या पुलिस महकमा, क्या जो बाकी है, क्या हमारा सब्र टूटने का वो इंतजार कर रहे हैं कि हम सड़कों में आए? अजीज सिंह को जब लाया गया, जब निकाला गया, क्या ये चार लोग अजीत सिंह का एजेंट बनेंगे? अजीत सिंह पर्दे के पीछे अपनी, पहले तो मैं सरकार से अपील करूंगा, अजीत सिंह का बैकग्राउंड चेक करिए, हमारे भी बैकग्राउंड चेक करिए। आप देखिए अजीत सिंह है क्या, कहां से आया, जे आज से 2 साल पहले कहां था? क्या पुलिस इतना, क्या महकमा गवर्नमेंट हमारी ड्यूटी में जो है इतना वो नकमी हो चुकी है, क्या उसका वो सामने नहीं ला सकते कि कहां कौन है भाई, ये कहां से आया? और इतना बड़ा हमारा दायरा जिसमें 5 लाख के करीब हमारी ट्रांसपोर्ट है, सभी को वो एक अकेला बंदा वो घर में पर्दे के पीछे बैठ के वो लोगों को हमारे सामने जैसे ये चार लोग जो, अब मुझे बताइए एक गाड़ी जब चलती है तो मुझे लगता है कि अगर उसको रास्ते में उसका रास्ता रोका जाता है तो मैं माफी चाहूंगा, कानून ने अपना काम अब तक क्यों नहीं किया? आप मुझे बताइए मेरी गाड़ी अगर कहीं रूट पे कहीं बस जा रही है तो उस बस में 50 लोग बैठे हैं और एक चार बंदे आके उस बस का रास्ता रोकते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पे जो कार्रवाई बढ़नी चाहिए वो अब तक बढ़नी चाहिए थी, हमें प्रेस वार्ता करने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए हमने बाई नेम जिन लोगों ने वो रास्ता रोका है, एप्लीकेशन हमने बस स्टैंड थाने में 2 एप्लीकेशन दी है, क्योंकि कुछ लोग तो वो ऐसे हैं कि वो गाड़ियों के मालिक भी नहीं है वो। तो मैं खासकर अपनी ट्रांसपोर्ट जीएंड के वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं अपील करूंगा सरकार से, और अगर मेरी आवाज एलजी साहब सुन रहे हैं तो ये जो सर पे चढ़ाया है ये अजीत सिंह, इनका जरा जनाब आप इलाज करिए, इनकी इंक्वायरी करिए, कहां से ये आया और इसका बेसिक मुद्दा क्या है? सरकार क्या इतना चुप करके बैठ गई अजीत सिंह से? लूट के खाया उसने हमें, गले काटे हैं हमारे, कमीशन खाई है,
और खासकर ये चार जो लोग इसके साथ है, ये कमीशन एजेंट है, इन्होंने इस जब ये इलेक्शन हुई इन्हीं के द्वारा गाड़ियां भेजी गई। आप रिकॉर्ड निकालिए अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं। पुलिस को चाहिए इन चारों लोगों का देखिए कितनी कितनी गाड़ियां इन्होंने इस इलेक्शन में भेजी थी और उनके पीछे ठेकेदार कौन था, अजीत सिंह। और मैं माफी चाहूंगा आप मीडिया से, क्योंकि ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर कोई ऐसा शैतान हमारी ट्रांसपोर्ट को खराब करेगा तो मुझे लगता कि जब हम अभी हमारी शांति से हम वार्ता कर रहे हैं, मैं अपील करूंगा सरकार से कि आप कम से कम यहां ध्यान दीजिए, माहौल मत अब हमारी छुट्टी में अब मत स्टार्ट करिए कि माहौल हम खराब करें। लेकिन आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है ये इसलिए हमने कंप्लेने दी है, अगर इस पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है फिर जो हम अपना आंदोलन करते हैं, फिर कोई भी सरकार हो, कोई भी महकमा हो, हम सही हैं, सही रास्ते पे चलेंगे। लेकिन कानून अपना काम, हमने एप्लीकेशन दी है उस पे कानून अपना काम करे। बार बार कह रहे हैं कि गाड़ियों को रोका गया, तो रीजन वहां पर बताया गया क्यों आखिर गाड़ियों को? देखिए देखिए अगर किसी को ये देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा, ट्रांसपोर्टर चाहे वो कोई भी हो वो हमारा एक हिस्सा है। ट्रांसपोर्टर को अगर कोई शिकायत है, मैंने पहले भी कहा था आप, क्योंकि अगर कहीं आपको लगता है कोई गाड़ी गलत चल रही है तो मेरे भाई उसमें कानून है, आरटीओ उसमें चार्ट टाइम टेबल बनाते हैं, आप आरटीओ को कंप्लेन करें। अगर उसके बाद अगर हमारी टीम बैठी है, आप पुलिस से पुलिस में भी जा सकते हैं कि जनाब ये गाड़ी गलत चल रही है, ये कौन सा कानून है कि गाड़ी खड़ी करनी, और वो गाड़ी जब उसमें 50 लोग बैठे हैं अपनी मंजिल तक, कोई जा रहा है, कोई बीमार है, कोई कहीं शादियां हैं, मगर उनको चाहिए था कि जनाब टाइम टेबल है, हमारी न्यूली जो टीम बनी है चेयरमैन साहब के पास आ सकते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूं मेरे पास आ सकते हैं, जनाब ये टाइम टेबल में कोई गलती है और सीधा करिए, नहीं करते तो फिर बात आगे चलती। आप कानून अपने हाथ में ले रहे हो, गाड़ियां खड़ी की और गाड़ियां खड़ी करने के बाद सवारियां वहां बेचारी खजल हुई, जितनी भी सवारियां उसमें बैठी थी। तो मैं अपील करूंगा खासकर एलजी, कोई अजीत सिंह का नहीं है, हम सरकार में भी आपने देखा जब ये पीछे जो टाइम था हमने कहां साथ नहीं दिया इस एलजी साहब का, मगर एक अजीत सिंह की वो बात सुन के ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क करेगा तो मुझे लगता है वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। शिव जी, क्या आपको ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं एलजी साहब पे, आपको क्या लग रहा है कि जो भी इस समय जो बातचीत हो रही है एलजी साहब को इसकी पूरी नॉलेज है और एलजी साहब की छत्रछाया में ही अजीत सिंह का जीते का? देखिए एलजी साहब को क्या इस चीज का पता नहीं, ये लोगों को पुलिस को डराता है अजीत सिंह कि मेरा एलजी है, एलजी हमारा नहीं है। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा खिता जिसकी मैं पिछले 30 सालों से हम इनकी सेवा कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से उन ट्रांसपोर्टर भाइयों को से भी अपील करूंगा, और जनाब आप क्यों इसके चक्कर में पड़े हो, और ये जो ट्रांसपोर्ट है हम ट्रांसपोर्ट की सेवा के लिए है, किसी को कोई अगर कोई कंप्लेन है, किसी को कोई लगता है कि मेरी गाड़ी सही नहीं चल रही, आप आइए, मगर ये तो नहीं ना आप कहीं गाड़ियां रोकोगे, ड्राइवर के साथ मारपीट करोगे, कंडक्टर को उतारोगे। तो मुझे लगता है ये जो एपिसोड आज हुआ है इसी कारण हमने आपको ये कष्ट दिया, क्योंकि शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर को ही हमारी ये जो आज ये जो एपिसोड हमारे साथ हुआ, क्या आपको लगता है कि उनको कानून का सहारा लेना चाहिए? क्या आपको लगता है जो उन्होंने किया कि गाड़ी रोक के वो सही है? क्या कोर्ट ने जो स्टेटस को दिया हुआ है क्या वो उसकी ये वायलेशन करे और पुलिस इनको ना पूछे? ये सारी चीजें कुल मिलाके में, क्योंकि ये चीजें सामने आनी चाहिए मीडिया के कि हम अपनी जगह ठीक है आपको डेट पड़ी है 21 दिन है उसमें जाइए कोर्ट में, आप कोर्ट में जाइए, जो आपको कोर्ट राहत देती है वहां ये जाते नहीं है। ये पर्टिकुलर जैसा मैंने कहा ये जो चार लोग हैं ये ठेकेदार है, उनका ठेकेदारों का जो हेड है वो अजीत सिंह है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि चेयर जाने के बाद इस तरह की हड़बड़ी? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आप देखिए जब अजीत सिंह जी चेयरमैन थे तब भी मैं प्रेसिडेंट था, जब मेरे पीछे ये हमारा साया वजीर साहब थे तब भी मैं प्रेसिडेंट था, क्या
यही लोग थे क्या अजीत सिंह के साथ हम नहीं चले, जब हमें लगता था कि ये जो उंगली पकड़ी है ये हमारी कहीं ना कहीं हमें जो कुएं में डालेगी, तो हमने वो उंगली उछड़ा ली अपनी, गलत किया हमने क्या? मैं भी अगर अजीत सिंह की तरह होता तो मैं भी ट्रांसपोर्टरों को बेच के मैं भी ठेकेदार बन जाता। ऐसा तो नहीं, अजीत सिंह जी जो कर रहे थे पहली अध्यक्ष बनकर, इसलिए यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी की बसेस आ गई, अब तो चेयरमैन साहब बदल रहे हैं, लेकिन उनका जो दबदबा है वो नहीं जा रहा है यहाँ से। देखिए अब देखिए, दबदबा उनका कोई नहीं है, दबदबा उनका सिर्फ एल जी साहब है। मैं सीधे तो सीधे बोलूंगा, आदमी आप कैसे बोल, आप देखिए क्यों, आप देखिए किसी एक बंदे को वहां टाइम नहीं मिलता, अजीत सिंह को महीने में चार बार टाइम मिलता है, कारण क्या है? वो कारण आप आपने खोजना होगा, आप मीडिया एक चौथा पिलर हो और सच्चाई। आपने दो चीजें बोली थी, इनका बैकग्राउंड चेक करें, बैकग्राउंड बिल्कुल किया जाए, बैकग्राउंड हमें पता है बिल्कुल इसका। अगर अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ कि आप चौथा स्तंभ पिलर जिसको माना जाता है, क्योंकि आप लोगों की मैं हमेशा इज्जत करता हूं, खासकर मीडिया जो हमारा जेएंडके ड्यूटी में है, क्या उसका बैकग्राउंड नहीं चेक होना चाहिए? मेरा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, मेरा अगर कहीं लगता है कि मैं प्रधान पोस्ट पे हूं, मेरा करेक्टर कहीं गलत है, तो प्लीज अभी उठा के मुझे जेल में टांग दे। लेकिन इसका तो करण जी, ये जो स्कफल की जो स्थिति बन रही है, अब आप चेयरमैन हैं और जिस तरह आज चीफ साहब ने कहा कि गाड़ी रोकी गई, सवारियां बीच में थी, अगर किसी स्कफल में किसी सवारी को अगर कोई चोट लग जाती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? एलजी प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा? क्योंकि आप साफ कह रहे हैं कि एलजी के कहने पर जो है पुलिस जो है वो उस पे कोई भी कदम जो है वो नहीं कर रही है। देखिए सबसे पहले तो माननीय न्यायालय से एक फैसला आया हुआ है जो कि